दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में मिले निकल, क्रोमियम और पोटाश, औरंगाबाद और गया में जल्द शुरू होगा खनन। जी हां, बिहार में नए खनिज के रूप में निकल, क्रोमियम और पोटाश पाए गए हैं। इन्हें बेहतर क्वालिटी का बताया गया है। इससे पहले यहां कभी पाया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इन सभी के खनन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर बुधवार को नई दिल्ली में केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार गया और औरंगाबाद जिले की सीमा पर मदनपुर प्रखंड के डेजना और आसपास के इलाकों में करीब 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निकल पाया गया है। इसका इस्तेमाल हवाई जहाज और मोबाइल में बड़े स्तर पर किया जाता है। वहीं रोहतास जिले में करीब 25 वर्ग किलोमीटर इलाके में पोटाश पाया गया है। इसमें रोहतास जिले के नावाड़ी प्रखंड में 10 वर्ग किलोमीटर, टीपा प्रखंड में 8 किलोमीटर और शाहपुर प्रखंड में 7 किलोमीटर का इलाका शामिल है। पोटाश का बड़े पैमाने पर औषधि एवं रासायनिक खाद में इस्तेमाल होता है। सूत्रों के अनुसार झारखंड के साहिबगंज जिले से सटे बिहार के मंदार गाँव के आसपास मौजूद कोयले का ग्रेड G12 उपलब्ध है। पिरमपेति बराहाट इलाके में भी करीब 850 मिलियन टन कोयले के भंडार का अनुमान है। खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि राज्य में निकिल, क्रोमियम, पोटेशियम और कोयला मिलने से नई संभावनाएं विकसित हुई है। इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बड़ी खबर, बिहार में वायरल बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मंगल पांडे बोले, कोरोना के नहीं मिले लक्षण। जी हां, बिहार में बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। सुबह के कारण पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज में बच्चों के वायरल बुखार के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य अलर्ट पर है। मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक तरह का वायरल है। इस बात की पुष्टि जांच में आ चुकी है। जांच में अभी तक कहीं से कोई कोरोना का लक्षण प्राप्त नहीं हुआ है। बिहार के संस्थान NIRF में फिर चुके, टॉप 100 में सिर्फ IIT पटना। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को वर्ष 2021 की NIRF रैंकिंग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से जारी देश भर के संस्थानों की रैंकिंग में IIT पटना को 55.75 अंकों के साथ 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओवरऑल रैंकिंग में जगह बनाने वाला IIT पटना बिहार का एकमात्र संस्थान है। वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष भी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास को देश का बेस्ट शैक्षणिक संस्थान चुना गया है। बड़ी खबर, बाढ़ के कारण फसल नहीं लगी तो भी मिलेगा मुआवजा, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ के कारण जहां पर किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। इस बाबत उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां फसल नहीं लगी है उसे भी क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराए, साथ ही किसानों की फसल क्षति के भी आकलन कर उन्हें सहायता पहुँचाए। बड़ी खबर, बिहार में इस बार होगा दुर्गा पूजा का आयोजन, संजय की माता के पंडाल, जिला प्रशासन ने रखी ये शर्त। जी हां, बिहार के जिला प्रशासन ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। पटना में धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में छूट दी गई है। इस आलोक में इस बार दुर्गा पूजा के आयोजन होंगे, पंडाल भी सजेंगे, लेकिन यदि कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो जिला प्रशासन दुर्गा पूजा के आयोजन पर रोक लगा सकता है। DM ने कहा कि दुर्गा पूजा का आयोजन पूजा समितियां कर सकती है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी गई है, लेकिन जहां कार्यक्रम आयोजित होंगे वहां सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा।
बड़ी खबर, बिहार के बेसहारा व लाचार बुजुर्गों की सरकार ने ली सुध। हर जिले में की जा रही है इस तरह की व्यवस्था। राज्य के सभी जिलों में जल्द ही बेसहारा व लाचार बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम खोले जाएंगे। पहले चरण में 38 जिलों में 50-50 बेड के 2 यूनिट होंगे। यानी हर जिले के 100-100 लाचार बुजुर्गों को मुफ्त आवास, भोजन, कपड़े व इलाज की सुविधा मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वृद्धाश्रम के संचालन के लिए एजेंसियों को आमंत्रित किया गया है। इस माह के अंत तक एजेंसी का चयन पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। अक्टूबर से सभी जिलों में ओल्ड एज होम का संचालन शुरू हो सकता है। लालू यादव ने कर दिया साफ, मैं अभी बिहार नहीं आऊंगा, कहा चिराग अकेला नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। बड़ी खबर, बिहार में लालू यादव के समर्थकों को दीदार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि खुद लालू यादव ने अभी बिहार नहीं आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं 12 सितंबर को बिहार नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा पूरा परिवार स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली वर्षिक कार्यक्रम में शामिल होगा। लालू प्रसाद को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य पटना में रामविलास पासवान के बरसी में शामिल होगा। दरअसल चिराग पासवान अपने पिता की पहली बरसी 12 सितंबर को मना रहे हैं। इसके लिए वो निमंत्रण देने दिल्ली स्थित मीसा भारती का आवास पहुंचे, जहां पर लालू यादव और राबड़ी देवी अभी मौजूद है। मुलाकात बाद लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती के संग चिराग पासवान मीडिया के सामने आए। इस दौरान ही लालू यादव ने साफ कर दिया कि वे अभी बिहार नहीं आएंगे। स्वर्गीय राम विलास पासवान की बरसी में अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होने की बात कही। वहीं चिराग पासवान और तेजस्वी के साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि दोनों साथ आए। बड़ी खबर, कांग्रेस के पुरोधा सदानंद सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेटे शुभानंद मुकेश ने दी मुखाग्नि। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का गुरुवार को कहलगांव शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले उनके शव को उनके आवास से कांग्रेस कार्यालय ले जाया गया। वहां अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा थी। शव यात्रा में भी हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान सदानंद सिंह अमर का नारा गूंजता रहा। अंतिम संस्कार के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के अलावा कई विधायक, स्थानीय नेता और प्रशासनिक पदाधिकारी आदि मौजूद थे। मुख अग्नि पुत्र शुभानंद मुकेश ने दी है। बड़ी खबर, दशहरा पर पटना के गांधी मैदान में इस बार भी नहीं होगा रावण वध, ये है वजह। जी हां, दशहरा के मौके पर इस बार गांधी मैदान में कोई आयोजन नहीं होगा। इसके बदले गांधी मैदान से सटे कालिदास रंगालय में 3 दिनों का रामलीला, रावण वध और भारत मिलाप का आयोजन होगा। दशहरा से जुड़े आयोजन को लेकर गुरुवार को पटना DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट पटना के अध्यक्ष कमल नेपाली, सचिव अरुण कुमार के साथ समाराहालय में बैठक की और अहम निर्णय लिए। बैठक में कमेटी द्वारा गांधी मैदान में ही छोटे स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम रामलीला, रावण वध, भारत मिलाप के आयोजन संबंधी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर विमर्श के बाद इसे उपयुक्त नहीं पाया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गांधी मैदान के पास स्थित कालिदास रंगालय में 3 दिनों का आयोजन होगा। कालिदास रंगालय में 14 अक्टूबर को रामलीला, 15 अक्टूबर को रावण वध, 16 अक्टूबर को भारत मिलाप का कार्यक्रम होगा। साथ ही निर्णय लिया गया कि COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन समिति द्वारा किया जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर मामले बढ़ते हैं या विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो अनुमति को रद्द भी किया जाएगा। बड़ी खबर, विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा राजेंद्र नगर टर्मिनल, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। जी हां, रेल संबंधित संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि 3 से 4 सालों में राजेंद्र नगर टर्मिनल विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर सारी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेल का चतुर्दिक विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जाजा से मुगलसराय तक 130 किलोमीटर की गति से ट्रेनें चलने लगी है। ट्रैक अपग्रेड होने के बाद इस रूट में भी स्पीड बढ़ेगी। कोसी नदी पर रेल पुल बनाकर ट्रेन चलाने का सपना साकार मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्य पूरे देश में रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। 8 दिन गुजरात में निरीक्षण करने के बाद 8 दिन UP व बिहार में स्टेशनों का निरीक्षण होगा।
बड़ी खबर, बिहार में अब सर्किल ऑफिसर नहीं, ये अधिकारी जारी करेंगे जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र। जी हाँ, बिहार में अब अंचल अधिकारी राजस्व संबंधी मुख्य काम परिमार्जन आदि पर फोकस कर सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उनके काम के बोझ को कम कर दिया है। उनकी कई जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। जाति निवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों को देने का निर्णय लिया गया है, इससे लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी। सीओ की अनुमति लेकर मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के डाटा एंट्री ऑपरेटर परिमार्जन और एलपीसी के निष्पादन का काम करेंगे, इससे लोगों का समय तो बचेगा ही, सरकारी काम में पारदर्शी के साथ साथ काम में तेजी भी आएगी। इसको देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों निर्देश दिया था। बड़ी खबर, जेपी और लोहिया के विचार पाठ्यक्रम में शामिल होंगे, राजभवन की भी हरी झंडी। जी हां, जेपी विश्वविद्यालय छपरा समेत कई विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटाने के मामले का पटाक्षपेच हो गया है। पाठ्यक्रम पहले की तरह ही जेपी और लोहिया के विचार शामिल रहेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर, जेडीयू में विधानसभा और लोकसभा प्रभारी का पद समाप्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह का बड़ा फैसला। जहां जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सभी प्रकोष्ठ अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू में अब विधानसभा और लोकसभा प्रभारी का पद खत्म कर दिया गया है, वही पार्टी में अब दो जिला प्रभारी बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह फैसला संगठन के भीतर जिला और प्रखंड स्तर पर बन रहे दो ध्रुव को देखते हुए लिया गया है। जानकारी के अनुसार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में ललन सिंह ने सभी के कामकाज को जाना और साथ ही कई निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य में जेडीयू के सभी लोकसभा और विधानसभा प्रभारी का पद समाप्त कर दिया है। वहीं बैठक के बाद जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की ओर से जिला प्रभारी की नियुक्ति की गई। प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को जिले का प्रभार दिया गया। जेडीयू प्रदेश मुख्यालय की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष नवीन कुमार आर्य, महासचिव मृत्युंजय कुमार, वासुदेव कुशवाहा और मनीष कुमार को सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास कैंडिडेट के लिए 7 अक्टूबर है आवेदन करने की आखिरी तारीख। जी हां, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर इंटरमीडिएट पास कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार 7 अक्टूबर 2021 तक कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा दिसंबर 2021 में कराई जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को ₹300 एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यह फीस ₹150 है। आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.uk.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अंत की बड़ी खबर, अब 31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, 30 सितंबर थी आखिरी तारीख। जी हां, अब आप वित्तीय वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर पाएंगे। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ा दी है। इसके साथ ही देर या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी 31 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए बिहार में दुर्गा पूजा का आयोजन कराना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।